अस्सलाम वालेकुम, ये एक पार्सल आया है, ये मैंने ऑर्डर किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अल्लाह के फजल से करम से ठीक होंगे, अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही थी, बल्कि मैं और भाभी बना रही थी सेवइयाँ, नमकीन सेवइयाँ बना रही थी। सारी चीज़ें तैयार कर ली थी और यहाँ पे लाइट गोल्डन हो चुका था प्याज, इसमें ऐड कर दिया 4 अदर टमाटर काट कर और सब्ज़ मिर्च जो कि पेस्ट बना के रखा होता है फ्रीज़र में, वो डाल दिया। यहाँ पे डाल दिए टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इनको भूनना है 2 मिनट क्योंकि ये फ्रीज हुई हुई मिर्चें हैं, और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है। तो आप ये वाली सेवइयाँ ज़रूर बनाइएगी, मैं आपको कहती हूँ कि आप ज़रूर खुश होकर खाएंगे, आपके घर वाले भी, और बहुत मज़े की होती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, ये हम सब की बहुत फेवरेट है। हम नानू के घर जाते थे जब छोटे थे, गर्मी की छुट्टियों में, तो हम सब बहुत मज़े से खाते थे। और यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया नमक, नमक डाला था 3 चम्मच खाने के, और डिपेंड करता है कि नमक की क्वालिटी कैसी है। तेज़ है या हल्का है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर डाल दिए गाजर, मटर और आलू, तो ये वाली सब्ज़ियाँ डाल दी। डालने के बाद इनको 5 मिनट आप भूनेंगे सारे मसाले डालने के बाद। तो जब ये ऑयल छोड़ देना तो लग रहा है कि आधी कच्ची पक्की हो गई, तो फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो ये वाली सेवइयाँ असल में ना चावलों से भी ज़्यादा जल्दी बन जाती है, मसाला भूनने और डालने और जस्ट सेवइयाँ डालें और थोड़े से पानी में गल जाती हैं, क्योंकि बहुत ही नरम सी तो होती हैं वो। तो यहाँ पर देखें मसाला भून चुका है, ऑयल छोड़ दिया इसने, तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। दोस्त तो सुना फ़हील को रही है, मैंने कहा फ़हील को कह रही है, मेरा भाई लाखों में एक। नहीं और डालो, चलो हाँ जी बस। ये सेवइयाँ हैं बाज़ार की, देखिए बारीक है, और ये सिर्फ मैदे की है, घर में बनाए खुद, तो उसमें सूजी भी डालते हैं जिससे वो फूल जाती है, पकने पे बढ़ जाती है जैसे चावल फूलते हैं, तो लेकिन ये फूलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हम मजरेश, ये मन्हा लेटी हुई है, ये दोनों क्या कर रहे हैं। हम मजरेश, ये सलाद बनाया है अबू के लिए, चुकंदर सलाद। आपने क्या लेना है, ऐसा पहीन, चलो सेवइयाँ भी डाल दें। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा रखना था, क्योंकि ये बारीक से नहीं है, बिल्कुल ऐसे इसी पानी में गल जानी है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आँच भी हल्की रखनी है, पानी खुश्क हो गया, अब इसको दम लगाना। धनिया, इसमें क्या क्या, धनिया और सब्ज लहसुन, जीरा, ये बना रायता, रायते के लिए चटनी। अच्छा, और सब्ज मिर्च डालिए। मिक्स मसाला, इसको थोड़ा रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद अब ग्राइंड करें। सेवइयाँ का दम, माशाल्लाह, सेवइयाँ का दम खोल लिया, ये देखें बहुत अच्छी बन गई है। क्या खा रहे ओ ओ ओ, ओ, ओ गिरा दे, देखा ना, चलो मेरा चलो, चलो ऐसे मोहम्मद रेज आराम से लेता है, और मन्हा को, मन्हा 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 को रटाओ तो मायदा,
बेटा देखो क्या करती है। ओए ओए ये क्या कर रही है, ये रोने वाली शहजादी लेट तो गई है। वो मोबाइल का ना वो उसके कैमरे की वजह से उसका है फ्लैश ऑन, इस वजह से उसको देख रही है। चल मैदा ले लो। रो रही थी, कितनी आवाजें आ रही थी ना, अब नहीं रो रही थी, इससे भी ज्यादा रो रही थी रात को ना। अब तो चलो चुप कर गई, रात तो ऐसे थी। मैं कहने लगी थी मैं ऐसे इसको लेके बैठे खाती हूँ तो तुम नहीं, अब थाले में बाद में इसको ये देखो, ये मन्ना को पता नहीं क्या हो रहा है, रो रही है बस बिला वजह। कहला आपने खाना खा लिया? खा लिया, मिर्ची थी, मिर्ची लग रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खाने लगी हूँ सेवइयाँ, चेक करती हूँ पहले तो कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप भी खा लो बेटा, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी मन हार हो रही है फिलहाल। Tomorrow. ये एक पार्सल आया है, ये मैंने ऑर्डर किया था बुनेंजा सतरंगी का एक सूट ऑनलाइन, तो इसको खोलने लगी हूँ। मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ, ये फर्स्ट तजर्बा है मेरा, तो कैसा रहा ये तजर्बा, इसको खोलते हैं और देखते हैं कैसा सूट आया है। मैंने कहा चलो ईद भी आ रही, रमज़ान आ रहा है और गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो चलो ऑनलाइन ऑर्डर करके देखते हैं। ये मेरा फ़र्स्ट तजर्बा है, फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये वाला सूट था 3 पीस, तो ये लॉन में था, और ये देखें इसका ये ट्राउज़र है, ऑफ वाइट इसका ट्राउज़र है, और साथ में शर्ट है और साथ में दुपट्टा है, 3 पीस है। और इसकी क्वालिटी जो है ठीक है, मुझे 50-50% आया इसका कलर। असल में ये देखिए तस्वीर में बहुत मुझे अच्छा लग रहा था जब मैंने नेट पे देखा है, तो यहाँ पे जब मंगवाया है तो ये डल था, लाइट था, मतलब ऐसा ऑलरेडी इस कलर में मेरे पास सूट है पिछले साल, तो खैर ठीक था। तो मैंने कहा चलिए मैं भी मंगवा के देखती हूँ ऑनलाइन कि कैसे कपड़े होते हैं। तो खैर इसका स्टफ भी ठीक था, ठीक लगा था मुझे। तो ये देखें ये वाला कलर है, और दुपट्टा इसका डार्क यहाँ लग रहा है, लेकिन सच देखने में फ़र्क था, क्योंकि उन्होंने वैसे लिखा भी होता है जो तस्वीरें लगी होती हैं कि उनके नीचे के इनके कलर ऐसे लाइट हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं या फिर फ़र्क हो सकता है तस्वीर से और जब आप हकीकत में देखते हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। खैर एनीवे तो अच्छा रहा तजर्बा, तजर्बे से सीखता है बंदा, करेगा तो सीखेगा, करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो खैर अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी आपको यही आपको एक नसीहत है कि लें, लेकिन कलर को देख के लें, कलर को गौर करें कि तस्वीर में इमेजिन करें तो वो तेज़ लग रहा है ना कलर, तो उससे लाइट ही होगा, क्यों उन्होंने लाइट्स वगैरह जलाई होती हैं ऐसी कि हमें वो समझ भी नहीं आती इसी वजह से। तो खैर एनीवे तो मैंने ये सूट मंगवाया है, तो एक और मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो भी अभी कुछ डेज़ में आ ही जाएगा, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।